यहाँ पे ये गाड़ी फंस चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि इसके चारों टायर वहाँ पे लूज उसमें फंस गई है। तो थोड़ी सी ज़्यादा ही वाटर क्रॉसिंग आ गई है वापस से, और यहाँ पे तो भाई साहब पत्थर भी ओह मोटे मोटे हैं। तो भाई कैसे लगे आपको यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग के सीन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी मेहनत लगी, सभी बच्चे वापस गए सीन लेने के लिए, दो तीन राउंड लिए, बहुत अच्छा रहा। तो चलिए अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं आगे के लिए। क्यों भाई लोगों, मज़ा आ रहा है क्या? मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ये जो मेरे लेफ्ट में एरिया देख रहे हो, ये एरिया ऐसा एरिया है जिसमें पूरे में पानी बहता है। आप कल्पना करके देखो, रोड के बगल में बिल्कुल पानी बहता होगा और उसके बगल से ये रोड जाती होगी। वाह, ओ भाई साहब लद्दाख आप मेरी नज़र से देखो, और यहाँ पे पानी देखो भाई साहब कितने तेज़ फ्लो से आ रहा है, लिटरली बहुत तेज़ फ्लो से आ रहा है। और यहाँ पे साथ में रोड भी ख़राब हो गई है, आप लोग आ नहीं सकते तो आपको दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। हमारी नज़र से देखिए लद्दाख, हमसे स्टिफ चढ़ाई है। ओके, रिस्क नहीं ले सकते लेफ्ट साइड जाने का, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कोरे पत्थरों को जमा कर रोड बनाई हुई है। ओ भाई साहब काफ़ी डिफिकल्ट, डिफ़िकल्टी लेवल प्रो लेवल की डिफ़िकल्टी थी प्रो। आप लोगों को शायद एक्शन गेम इतना जस्टिफाई नहीं कर पाता, लेकिन जब यहाँ पे मैं चला के इसको पार करता हूँ ना, तो मुझे पता रहता है कि कितनी बुरी सिचुएशन होने वाली होती है, फट जाती है, फट के हाथ में आ जाती है। ऐसी सिचुएशन देख के आपने मेरे सांबर वाले वीडियोस और ये देखे होंगे कि आई एम नॉट गुड राइडर, मतलब इतना अच्छी कमांड नहीं है मेरी इस पर। मैं बिल्कुल आराम आराम से हौले हौले चलाता हूँ मज़े लेके। ओके, कैंटीन जैसा कुछ है शायद, अच्छा कैंटीन है, नथिंग एल्स। अब खाने पीने के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से शॉप अभी 23 किलोमीटर दूर है, बट बैड पैचेज स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही ख़राब पैचेज चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल। तो पूरे लूज पत्थर हैं और साइड में रिवर चल रही है, डोंट नो क्या सीन होगा क्या नहीं होगा।
बस बाइक के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खराब पेच है। ओके, ये लोग शायद यहाँ पे गिर गए थे। तो क्या करें यार, रोड ही इतनी बेकार है, मतलब इतने मोटे मोटे पत्थर ये हैं। इस तेज बहती हुई नदी पे एक छोटा सा ब्रिज आया है। ओके, तो ये जो पीछे नाला आया था, ये बताते हैं कि दोपहर के बाद अगर आप 12 बजे के बाद इसको क्रॉस करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पे जगह जगह देखो शूज़ वगैरह और भी बहुत सी टूट फूट होती रहती है। अभी वहाँ पे एक कार फंस गई है क्योंकि ये बहुत लंबा पेच है जो कि पूरा टूटा फूटा सा है। तो भाई अभी वाली वाटर क्रॉसिंग ने बहुत ही ज़्यादा थका दिया। मैं एल्टीट्यूड बता देता हूँ आपको एक बार, अभी हम किस एल्टीट्यूड पे राइड कर रहे हैं। अभी हम 3400 मीटर पे राइड कर रहे हैं और यहाँ पे 91-92 किलोमीटर हो चुके हैं और टाइम की बात करूँ तो 11:44 हो गए हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 8 बजे निकल ही गए थे, तो ठीक है स्पीड। अब आगे 10 किलोमीटर का एक ख़राब पेच बता रहे हैं, फिर उसके बाद शायद सब कुछ सही रहेगा। एक बार फिर से यहाँ पे भाटे वाला रोड, भाटे नदी के बीच में से फिर से निकालनी पड़ रही है बाइक यहाँ पर। ओह माय गॉड, आपके यार तो शायद बजरी भी साथ में है।
एक बार ये कार वाले निकल जाए उनके बाद निकालूँ मैं, क्योंकि ये कार भाई साहब मेरे को परेशान करते हैं। कार के कारण क्या होता है कि मुझे नीचे पत्थर वगैरह दिखाई नहीं देते। प्लेन हो तो मैं कैसे में भी निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, बट मतलब प्लेन मतलब सामने अगर कुछ भी नहीं हो तो, मतलब कोई व्हीकल ना हो तो, लेकिन जब सामने कोई व्हीकल होता है ना तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि रोड दिखती नहीं है अच्छे से। ओके, यहाँ पे ये गाड़ी फंस चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि इसके चारों टायर वहाँ पे लूज उसमें फंस गई है। सपोर्ट लगाओ, ओह माय गॉड। नॉट ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट था। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि यहाँ पे क्या लूज़ पत्थर हो जाते हैं, और लूज़ पत्थर होते हैं यहाँ पे एक बार रुके तो फिर फंसे। जैसे अभी मैं वहाँ पे रुक गया था तो मेरी बाइक फंस गई थी, लेकिन तुरंत एक बंदे भाई ने आके वहाँ पे धक्की लगा दी, जिसके कारण ईजीली निकल गए, आसान नहीं था।